हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो फाइंड एन टू फ्लिप फ़ोन में आप लोग वीडियो कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो यहाँ पर कोई वीडियो कॉल कर रहा है, यहाँ पर जो नॉर्मल वाला वीडियो कॉल आता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके फ़ोन में जो है कोई ये वाला वीडियो कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो कॉल जो है वो आप लोगों को आते ही स्क्रीन ऑफ हो जा रहा है, मतलब वीडियो कॉल आते ही आपका जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जा रहा है, तो इसके वजह से आप लोग वीडियो कॉल को कट भी नहीं कर पा रहे हो। तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को फ़ोन के एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है जिससे आप लोग कॉल या वीडियो कॉल करते हो, तो ढूंढने के बाद उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूसेज का एक ऑप्शन आएगा, स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक क्लियर डाटा का एक ऑप्शन आएगा, क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे। डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते हैं फ़ोन के एप्लीकेशन का जो भी डाटा होगा या कैची फाइल्स वगैरह होंगे वो सब यहाँ पर से डिलीट हो जाएंगे और सेटिंग्स वगैरह भी रीसेट हो जाएगा। तो ऐसा करते ही आपका जो वीडियो कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहेगा तो आप लोग अपने टेम्पर ग्लास को एक बार निकाल के चेक कर सकते हो, क्योंकि कैमरे के साइड में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है यहाँ पर। अगर आपके टेम्पर ग्लास के वजह से वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ब्लॉक हो गया है, तब भी आपके फ़ोन में वीडियो कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग टेम्पर ग्लास को एक बार निकाल दीजिए, निकालते ही आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने ओप्पो फाइंड एन टू फ्लिप फ़ोन में वीडियो कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।